योगी सरकार दो ने अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए शनिवार को मेरठ जिले के सभी थानों की पुलिस और एंटी रोमियो दल सड़कों पर उतर गया। योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बहन बेटियों की सुरक्षा के प्रति बेहद गंभीर नजर आए हैं। उन्होंने यूपी में शहदों से निपटने के लिए एंटी रोमियो दल को सक्रिय रहने के लिए कहा है, जिसके चलते आज से प्रदेश भर में मिशन शक्ति अभियान की सड़कों पर पुलिस ने शुरुआत की है। मेरठ में एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत पहले नवरात्रि से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई। मेरठ में 40 महिला कांस्टेबल का एक महिला स्क्वाड तैयार किया गया है। ये एंटी रोमियो स्क्वाड पूरे जिले में जगह जगह तैनात किया जा रहा है और भीड़ वाले क्षेत्रों, स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों के बाहर स्कूटी पर घूम घूम कर निगरानी करेगा। देखिए, महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल का गठन किया जा रहा है प्रत्येक जनपद में। आपको पता है कि पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से एंटी रोमियो दल उत्तर प्रदेश की मुहिम के रूप में जो है पुलिस की मुहिम के रूप में चल रहे हैं। इसके अलावा पिछले वर्ष शारदीय नवरात्रों में इसमें वासंतिक जो नवरात्रि उसके दौरान चलाया गया था हमारा मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था। प्रत्येक थाने पे महिला हेल्पलाइन बनी हुई है और महिलाओं की समस्या जॉइंट ऑर्डर से संबंधित जो भी बिंदु है जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी है उन सभी में स्पेशल फोर्स का गठन किया गया है, जिनके लिए जो है ये हमारे दलों का निर्माण है और साथ ही साथ हर थाने में महिला टेस्ट बनी हुई है। इसमें एक नया प्रयोग करते हुए आज महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल का निर्माण किया गया है। हर जनपद में ये निर्माण किया गया है और इनका फोकस भी भीड़ भाड़ वाले इलाके, मंदिर, बाजार या जहाँ पर भी महिलाओं की एक्टिविटी वगैरह रहती है या शाम के समय, दिन के समय जहाँ पर उनको सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है वहाँ पर डेडिकेटेड फोर्स जो महिला सुरक्षा के लिए रहेगा उसी को आज यहाँ से लॉन्च किया जा रहा है। आज जो हमारे कुछ परिजन खुले हुए हैं और खासतौर से महिला परिजन है वहाँ पर अभी हम जाएंगे, वहाँ पर भी महिलाओं को जो है इसके बारे में मुंह तो देखने दो, कार्यशालाएं भी हम चलाएंगे और लगातार महिला सुरक्षा के लिए हमारी जो कटिबद्धता है उसको